बताते चलें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन ने इलेक्शन कमीशन की तैनाती का मामला पार्लियामानी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। चेयरमैन कमेटी शीरी मजारी की जेर सदारत इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से भेजे गए नामों पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नामजदगी के लिए भी वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में किसी मुलाकात या मुशावरत का कोई इम्कान नहीं। मामला पार्लियामानी कमेटी में जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए पार्लियामानी कमेटी का इजलास मंगल को तलब किया गया है। कमेटी का इजलास सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास की सदारत कमेटी की चेयरपर्सन शीरी मजारी करेंगी। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन इलेक्शन कमीशन की तैनाती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे शरीक होंगे। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन इलेक्शन कमीशन के नामों का जायजा लिया जाएगा। हिज्ब इख्तदार और हिज्ब इख्तलाफ की जानिब से स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को भेजे नामों को कमेटी को भिजवा दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नामजदगी के मामले पर हुकूमत ने अपोजिशन लीडर की तीनों नामजदगियों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। तीनों नामजदगियों पर सख्त एतराजात किए गए हैं। नामजद शख्सियात की अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों से करीबी वाबस्तगी का शुबा जाहिर किया गया है। हुकूमत की तरफ से मौकिफ अख्तियार किया गया है कि दोनों अपोजिशन जमातों के अदवार में सरकारी ओहदों पर रहने वाली शख्सियात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करने के सिलसिले में तहफ्फुज़ात हैं। किसी गैर मुतनाज़े शख्सियत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए।